दिल्ली, भारत का दिल जहां रफ्तार नहीं रुकती, और इस दिल्ली का दिल है चांदनी चौक, जो कई सदियों से अपनी छाप छोड़े हुए हैं। यह मुगलों की विरासत है, अल्लाह का नूर है, नानक का सत्संग है, महावीर का मौन है और महादेव की माया है। यह एक ऐसी जगह है जहां बिजली का बाजार है, गलियों की भरमार है, दवाइयों का गढ़ है, विद्यार्थियों की किताबें हैं, और इसी चांदी चौक को सजाता और चमकाता है हमारा किनारी बाजार। एक ऐसा बाजार जहां सोने की शान, हीरों की चमक, मसालों की दुकानें, यहां शादी का जश्न है, भगवानों की पोशाकें हैं, यहां राम भी हैं और रावण भी, और संग सबके पराठों के सरताज भी हैं। किनारी बाजार की शुरुआत होती है दरीबा कला से, वो रास्ता जो अपने अंदर भारत की विरासत छुपाए हुए है। यूं तो दरीबा कला में आपको सोने चांदी, हीरे और बहुत सारे विभिन्न रत्नों की चमक दिखाई देगी, मगर इसके अंदर ही हमें किनारी बाजार की पतली गली दिखाई देती है। कहने वाले कहते हैं कि किनारी बाजार को पहले दरीबा कला ही कहा जाता था, जो अपने अंदर मुगलों की विरासत छुपाए हुए है, पर समय के साथ जब जैन और पारसी आए तो ये किनारी बाजार बन गया। किनारी बाजार से ठीक पहले भारत के सबसे पुराने सुनार की दुकान है। किनारी बाजार में प्रवेश करते ही दिखाई देता है जीता जागता नगर, जहां पुरानी विरासत आज के आधुनिक युग को संभाले हुए है। समय बदला और साथ में लोगों का रहन सहन भी, लेकिन नहीं बदला तो उनका रत्नों का शौक और समरने की नीयत। शंकर जी की मूर्ति के नीचे बना हुआ ये कुआं आज आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, पर अभी भी इसके पानी में वर्षों पुरानी मिठास छुपी। ये कुआं है दशकों से अपने मुसाफिरों की प्यास बुझाने वाला, और आज भी प्यास बुझा रहा है। पानी पिलाते हुए किनारी बाजार में आकर हमें एहसास हुआ कि दशहरा दस्तक देने को है। यहाँ पर राम की पोशाकें हैं, रावण के मुकुट हैं, तलवारें हैं, हनुमान का मुख है और कई अन्य देवी देवताओं के श्रृंगार उपलब्ध हैं। यहाँ हर दुकान अपने आप में रामलीला की कहानी बता रही है। हम लोगों का सब रामलीला का काम है, रामलीला की सीएम की सब पूरी वैरायटी मिलती है हमारे पास। जैसे रावण की ड्रेस है, राम लक्ष्मण की ड्रेस है, इस तरह की चटाई की, जामा वगैरह की, सब पूरा सामान हमारे रामलीला का पूरा सामान मिलता है। हमारे पास दिल्ली और दिल्ली से बाहर जितने लोग मतलब रामलीला होती है, काफ़ी लोग हम लोगों से सामान लेने के लिए आते हैं। मोस्टली लोग जो किराए पर सामान लेते हैं हमारे से, किराए के काम है हमारे ज़्यादा, किराए पर सामान लेते हैं, फिर वो अपने काम करने के बाद उसको वापस करते हैं। नगों और रत्नों के इस बाजार में अपनापन भी अपनी चमक फैला रहा है। कहीं कोई कारीगर बड़ी लगन से एक धागे से मोती पिरो रहा है। हम आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक हमने ढोल की आवाज सुनाई। नाच गाना भारत की विरासत है, और मनमोहक झांकियां किसी को भी भारतीय सभ्यता से रूबरू करवा सकती हैं। आगे बढ़े तो एक मस्जिद दिखी, पूछा तो पता चला सन 1800 ईस्वी में बनी है। इस मस्जिद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मुगल कालीन किनारी बाजार का। आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम उत्साह से भरी उत्सव की नगरी में आ गए हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो लगा कि एक शादी का समा बना हुआ है। कहीं दुल्हन के लहंगे हैं तो कहीं दूल्हे के शेरवानी, जेवर और सजने के और भी बहुत सारे सामान।
आज किनारी बाजार में ये सब देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। हम आगे बढ़े और मसालों की खुशबू में भीग गए। हमारी नजर उठी तो सामने कई वर्ष पुरानी मसालों की दुकानें दिखी, अलग अलग तरह के मसाले जो हमें ये बताते हैं और लोगों को उनकी सोनी महक से उनके पारंपरिक स्वाद का एहसास करवाते हैं। मसालों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और करीबन 100 साल पुरानी दुकान है हमारी। बस हमें एहसास हो गया था शायद किनारी बाजार खत्म होने वाला है। एक तरफ जहां दरीबा कला किनारी बाजार में आने को जरिया बनता है और वहीं इसे चांदनी चौक से जोड़ते हैं कुछ रास्ते जो पराठे वाली गली से गुजरते हैं। एक ऐसी गली जहां सिर्फ पराठे ही मिलते हैं। करीब 250 साल पुरानी इस गली में आपको 160 किस्म के पराठे दिखेंगे जिनके राज आज भी कोई न जान सका, लेकिन हाँ उनका स्वाद जरूर अनमोल है। 1892 गली पराठे वाली में पंडित ज्ञान प्रताप से पिटारंग पराठे का काम शुरू होगा और भी आगे दे। पहले जब गली का नाम सुंदरीवा था, पराठे की दुकान खुली तो पराठे वाली गली हो गई। ये यहाँ 45 प्रकार के पराठे हैं। पनीर का ले लो, गोभी का ले लो, दाल का ले लो, पापड़ का ले लो, आलू का ले लो, रबड़ी का ले लो, मेवा का ले लो, मलाई का ले लो, खोए का ले लो, टमाटर का ले लो, काजू का ले लो, मेवा का ले लो, मलाई का ले लो, खुरचन का ले लो, रबड़ी का ले लो, पुदीना का ले लो, नींबू का ले लो, हरी मिर्च का ले लो, करोल का ले लो, बादाम का ले लो, टमाटर का ले लो, अन्न मराठी और भी है। तो यहाँ शायद खत्म होने को है जहाँ परदेसी भी देसी हैं और हमारी सभ्यता में खोया हुआ है। किनारी बाजार शायद अपनी किस्म का भारत में पहला और आखिरी बाजार है जहां कभी रफ्तार नहीं रुकती। तंग गलियों में भी भारत की सभ्यता को दिखाती है और हमारे पारंपरिक चीजों को प्रदर्शित करती है।